नमस्कार, मैं हूं भूपेन पथरिया। आप देख रहे हैं बाइटी मीडिया। आज फरुखाबाद की मंडी तो बंद है और अभी 2-3 दिन बंद भी रहेगी, तो आज अन्य मंडियों की बात कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग कोल्ड के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो आज कोल्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कोल्ड अभी तक कितने भरे हैं, क्या पोजिशन रहने वाली है। और खुदाई के बारे में भी बात कर लेते हैं कि खुदाई कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है, तो क्या कुछ कंडीशन बन रही है, तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा पाएंगे थोड़ा सा। और अन्य मंडियों के भाव की भी बात कर लेंगे, तो भाव के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं खुदाई की कि खुदाई कितनी हुई है। तो फरुखाबाद की बात कर रहे हैं अभी खाली खुदाई की, जिला फरुखाबाद की। तो फरुखाबाद में कुछ जगह तो खुदाई हो गई है 90% के आसपास, कुछ जगह 80% के आसपास खुदाई हुई है, और कुछ जगह जो है मतलब 5% ही बचा होगा, 95% खुदाई होगी हो गई होगी। लेकिन अभी जो एक एरिया ज्यादा बड़ा आलू का है, अमृतपुर साइड जो है, वो अभी बाकी है पूरा। तो कुल मिला के अगर, जबकि अमृतपुर में भी मतलब थोड़ी मोड़ी खुदाई शुरू हो गई है, और कुल मिला के अगर एक आंकड़ा देखें तो लगभग वही 20 से 25% टोटल पूरे जिला फरुखाबाद की मिला के जो है 20 से 25% खुदाई बची होगी, और 75 से 80% जो है खुदाई हो गई है। बात करें कोल्ड की, तो कोल्ड में जो है इस टाइम पे सब जगह भीड़ दिख रही है, और हर कोल्ड में भीड़ है, बरामदे फुल हैं, और इसके बाद भी 10-10 ट्रैक्टर आगे उसके मतलब बरामदे के आगे खड़े हैं, कहीं कहीं गेट पे भी खड़े हैं। तो कोल्ड तो कंडीशन मतलब ऐसी लग रही है कि भरने वाले हैं, और उसमें अब कोई डाउट की गुंजाइश ज्यादा नहीं है। और भरने वाले के मतलब ऐसा है कि अभी उन्हीं कोल्डों में जो है लाइन लगी है, जो कोल्डों का रिजल्ट जो है बेटर है, और अभी भी कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो जिनके आगे जिनके गेट बंद नहीं हैं और उनमें मतलब जगह है। तो अभी तक का जो आंकड़ा मिल रहा है कि मतलब 65% के आसपास, 65 से 70% के बीच में जो है कोल्ड लोडिंग हुआ है अभी तक, और उम्मीद ऐसी की जा रही है कि 80-85% जो है कोल्ड हो सकते हैं। मतलब पिछली साल भी 85% थे, तो जिस हिसाब से कोल्ड वैल्यू जा रहा है, तो 80% तो लगभग मतलब हो ही सकता है, और बड़ी बात नहीं है 85% भी हो जाए। और कुछ दिन बाद ही बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंकड़ा तो कुछ दिन बाद ही मिलेगा कि हुआ कितना है। ये तो एक अनुमान के तौर पे बता रहे हैं कि इतना हो सकता है, और अच्छे कोल्ड सभी भर जाएंगे, खाली वो ही कोल्ड बचेंगे जो मतलब जिनकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, वो ही कोल्ड बचेंगे खाली। और बाकी अभी गंगा पार में जो कोल्ड है, वो तो अभी वहां पे खुदाई चालू नहीं है, तो वो कोल्ड तो अभी खाली है। मतलब उसमें थोड़े थोड़े आए हैं, 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार पैकेट एक कोल्ड में थोड़ा सा ज्यादा आ चुका है, उसमें थोड़ा ज्यादा आ गया है, और सब में वैसा कंडीशन नहीं है। तो ये तो थी कोल्ड की पोजिशन, और खुदाई आपको बताई दी है। मंडी कल तो बंद रहेगी रहेगी, और 11 तारीख को अगर हो सकता है सारा कुछ क्लियर हो गया, 10 तारीख को ही क्लियर हो गया, तो 11 को कुछ माल जा सकता है, और 11 का डाउटफुल ही है। अगर वहां पे मतलब वोटों की गिनती में कुछ अगर उलझन हो गई थोड़ी बहुत, तो 11 तारीख को नहीं भी मतलब खुल सकती है। तो 11 तारीख जो है डाउटफुल है, और 12 तारीख को तो मंडी खुलेगी ही खुलेगी। और अन्य मंडियों की बात कर लेते हैं, तो फरुखाबाद तो बंद ही है, और बात करते हैं मैनपुरी कुरावली की बात करते हैं। तो कुरावली में आपका लॉकर बिक रहा है 420 रुपए से लेके 470 रुपया मन बिक रहा है, और आपका सफेद आलू बिक रहा है वहां पे 350 से लेके 430 रुपया मन। कानपुर की बात करें तो कानपुर में ख्याति पुखराज बिक रहा है आपका 355 से लेके 375 रुपया मन मीडियम क्वालिटी का, और जो बढ़िया आलू है वो बिक रहे हैं 375 रुपए से लेके 425 रुपया मन। कंचन और सिंदूरी बिक रहा है आपका 400 रुपए से लेके 475 रुपया मन, और हाईलैंड बिक रहा है आपका 450 से लेके 500 रुपया मन। यहाँ पे बिक्री मन से होती है, और कुरावली मंडी में भी मन से बिक्री होती है, जबकि फरुखाबाद में बिक्री जो होती है वो कुंतल से होती है। बनारस की बात की जाए तो बनारस में आमदनी जो है 15-18 गाड़ी की आमदनी है, और हाइब्रिड यहाँ पे बिक रहा है आपका 1000 रुपए से लेके 1100 रुपया कुंतल, बढ़िया वाला आलू, और निवल वाला जो है वो 950 रुपए भी बिक रहा है, और बढ़िया आलू जो है वो अच्छा वो बिक रहा है आपका 1000 से लेके 1100 रुपया कुंतल।
कंचन बिक रहा है 1200 से लेके 1300 रुपया क्विंटल, हाईलैंड बिक रहा है आपका 1200 से लेके 1300 रुपया क्विंटल। कंचन और हाईलैंड के रेट यहाँ पे एक ही हैं, जबकि फर्रुखाबाद में रेट अलग है। हाईलैंड का रेट ज्यादा है और कंचन का रेट थोड़ा सा कम है। बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी में राजेंद्र वन बिक रहा है आपका 950 से लेके 1050 रुपया खुला आलू, जो वहां पे किसान को मतलब खेत से जो देता है, तो खुला आलू जो है वो 950 से लेके 1050 रुपया क्विंटल बिक रहा है। और सुल्तानपुर की बात करें, तो सुल्तानपुर में सफेद आलू बिक रहा है आपका 1050 से लेके 1150 रुपया क्विंटल। कंचन बिक रहा है 1250 से लेके 1350 रुपया क्विंटल, और हाईलैंड बिक रहा है 1300 रुपया क्विंटल। तो यहाँ पे भी कंचन और हाईलैंड के रेट जो है लगभग सेम है। बात की जाए आगरा की, तो आगरा में खुदाई खूब अच्छी खासी जोरों पे हो रही है, इस टाइम पीक पे खुदाई है। और आगरा में जो है बिक्री खेतों से होती है, ज्यादा मंडी से ज्यादा बिक्री नहीं है। मंगन मंडी से तो खाने वाने का जो आलू है वो ही बिकता है, स्टोर लोडिंग के लिए जो आलू बिकता है आगरा में वो सब बिकता है खेतों से। तो खेतों में आगरा में रेट चल रहे हैं 600 रुपए से लेके 675 रुपया पैकेट के चल रहे हैं, और वो आपको मतलब कोल्ड तक आपको पहुंचा के देना पड़ेगा, मतलब कोल्ड लोडिंग तक का बोलते हैं उसको। तो कोल्ड तक का जो है उसका भाड़ा भाड़ा जो है आपको देना होगा, और 600 से लेके 675, उसमें बोरा पैकेट भी आपका ही लगता है शायद। टुंडला में आपका चल रहा है, और बढ़िया आलू कुछ 675 से ऊपर भी हो सकता है इक्का दुक्का। और टुंडला में चल रहा है आपका 600 से लेके 700 रुपया पैकेट, वही कोल्ड तक पहुंचा के देना होगा। और सिरसागंज में भी आपका चल रहा है 600 रुपये से लेके 675 रुपया बढ़िया आलू कोल्ड लोडिंग तक। बात करें उत्तराखंड हल्द्वानी की, तो उत्तराखंड हल्द्वानी में सफेद आलू चल रहा है आपका 460 रुपये से लेके 480 रुपया 47 किलो का दाम। इस टाइम पे वहां पे भर्ती जा रही है 47 किलो। हल्द्वानी एक ऐसी मंडी है जहाँ पे भर्ती बदलती रहती है, कभी 47 किलो चलती है, कभी 48 किलो चलती है, कभी 50 किलो चलती है, और कभी 46 किलो भी चलती है। तो यहाँ पे भर्ती जो है वो बदलती रहती है, और भर्ती के हिसाब से ही रेट होते हैं। तो अभी जो चल रही भर्ती 47 किलो की, और 460 रुपये से लेके 480 रुपये का पैकेट बिक रहा है। ये बाद करें बिहार की, बिहार गुलाब बाग की सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे सफेद आलू चल रहा है 950 रुपये से लेके 1000 रुपया क्विंटल, और लाल चल रहा है आपका 1050 रुपये से लेके 1100 रुपया क्विंटल। और वहीं पे बिहार में समस्तीपुर की बात की जाए, तो समस्तीपुर में आपका सीचालीस बिक रहा है 950 रुपये से लेके 1050 रुपया क्विंटल। बात करते हैं इसके बाद वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में खुदाई इस टाइम पे हल्की फुल्की चालू हुई है। जो बरसात से पहले के गड़े हुए आलू थे वो ही खुद रहे हैं, और बाकी आलू जो है मतलब वही होली के आसपास 15 तारीख के आसपास या 15 से 20 तारीख के आसपास ऐसे खुदाई लगेगी। और जो पहले के गड़े हुए आलू थे वो खुद रहे हैं, वो कम ही खुद रहे हैं, बहुत मतलब अच्छी खासी खुदाई जो होगी वो होली के आसपास ही होगी। खिरपाई पश्चिम मेदिनापुर में जो भाव रहा है, पुखराज का भाव रहा है आपका 700 से लेके 740 रुपया पैकेट गड्डा आलू, और ज्योति का भाव है 800 से लेके 840 रुपया पैकेट। और ये भी मतलब वही कोल्ड तक का, मतलब कोल्ड लोडिंग तक का बोला जाता है, मतलब कोल्ड तक का आपको मतलब पहुंचता कोल्ड में देना पड़ेगा, पहुंचता जिसको बोलते हैं। वो इसी की बात की जाए, तो यहाँ पे ज्योति बिक रहा है 830 रुपये से लेके 850 रुपया पैकेट, कोल्ड तक पहुंचा के देना होगा वही। और वर्धमान में बिक रहा है आपका ज्योति आलू 800 से लेके 830 रुपया पैकेट, और हुगली में बिक रहा है ज्योति आलू 850 रुपये से लेके 910 रुपया पैकेट। ये भी आपको जो है पहुंचता कोल्ड तक देना होगा। बात करें कर्नाटक में बेंगलोर की, तो बेंगलोर में चल रहा है आपका रेट 700 से लेके 800 रुपया पैकेट का सफेद आलू 37-97 क्वालिटी का। और गुजरात की बात की जाए, तो गुजरात सूरत में आपका आवक बताई गई है 70 से 75 गाड़ी की, और पुखराज मीडियम बिक रहा है यहाँ पे 180 से लेके 200 रुपया 20 किलो का, और सुपर आलू बिक रहा है आपका 200 रुपये से लेके 230 रुपये से लेके 260 रुपया मन। मन यहाँ पे होता है 20 किलो का, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, गुजरात में मन जो है वो 20 किलो का होता है, और यहाँ पे वही मन के हिसाब से ही बिकता है, 20 किलो के रेट है ये। और बाकी जगह के भाव मिल नहीं पाए हैं, तो इतनी ही जगह के भाव मिले थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप आलू की खबर से हर रोज अपडेट रहना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बाइटी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
उससे होगा ये कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वीडियो ढूंढना पर नहीं पड़ेगा, तुरंत आप वीडियो को देख पाएंगे। तो अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर बाईटी मीडिया पेज को लाइक कर सकते हैं और या बाईटी मीडिया ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको यही खबरें मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।